खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं रामपुर जिले से विवेक कश्यप की यह खास रिपोर्ट। जनपद रामपुर में जिलाधिकारी द्वारा डेंगू जैसी बीमारी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी डेंगू से पीड़ित मरीजों के घर जाकर सभी लोगों को जागरूक भी किया, लेकिन जिला अस्पताल में गंदगी देखने को मिली। डेंगू वार्ड के सामने कार्डर ओवरफ्लो हो जाने के कारण कटर का सारा मलबा रोड पर आ गया और दूर तक गंदगी नजर आ रही है, जिसको लेकर खबर 7C के संवाददाता ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने साफ तौर पर मना कर दिया। यह है जिला अस्पताल का रवैया। डेंगू वार्ड में मरीज इस तरीके से बैठे हुए हैं जैसे उनके घर मरीजों को कोई सुविधा मुहैया कराई गई है, उसके बावजूद भी मरीज अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 7C, मैं हूं विवेक कश्यप आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में डेंगू को लेकर इतने प्रयास किए जा रहे हैं, डेंगू इस कदर बढ़ रहा है जनपद रामपुर में, और इसको देखकर चिकित्सा अधिकारी लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। अभी हम डेंगू वार्ड में गए थे, वहाँ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हमें कई लापरवाहियाँ देखने को मिली। लापरवाहियाँ जैसे मच्छरदानी उघड़ी हुई है, मरीज एक तरफ पड़ा हुआ है, मरीज के साथ में जो लोग तीरमदार हैं वो उनके साथ बैठे हुए हैं। कई प्रकार की ऐसी लापरवाहियाँ देखने को मिली, जिसको देखकर हमने वहाँ के स्टाफ से भी बात की। स्टाफ ने हमें ये बताया कि अगर हम किसी से ज़्यादा लोड डालते हैं तो हमें धमकियाँ मिलती हैं। अगर यही रवैया जनपद का और जनपद हॉस्पिटल का रहा तो मुझे लगता है कि ज़िले के अंदर इतना प्रकोप बढ़ सकता है कि संभाले से ना संभलेगा। अभी मैं आपको कुछ लापरवाहियाँ अस्पताल की भी दिखाता हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, कैमरे में अगर नहीं आ रहा है तो मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा सा आगे आएँ और आगे आकर दिखाएँ। ये जो नाला है ये गटर है। गटर पे आप देख रहे हैं किस तरीके से गंदगी बाहर निकली हुई है। इतनी गंदगी निकली हुई है, यहाँ पर मच्छरों का भी काफ़ी प्रकोप है। मच्छर इतने इकट्ठे हो चुके हैं कि मैं बता नहीं सकता। मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा सा आगे आकर दिखाएं। वहाँ तक गंदगी है, ये सब पानी भरा हुआ है और ये हकीम कुछ सिर्फ ये कोई वार्ड है, वार्ड के सामने है। डायलिस वार्ड मेरे सामने है। डायलिस वार्ड के सामने आप देख रहे हैं किस तरीके की गंदगी है और एक ढक्कन सा है वो उठ चुका है, उसमें से गंदगी बाहर निकल कर आई है। अभी 2-3 दिन पहले ही चिकित्सा अधिकारी SP सिंह ने यहाँ का निरीक्षण भी किया था, उनको भी कोई कमी नज़र नहीं आई, लेकिन अभी 3 दिन बाद ऐसा हुआ कि कमियाँ ही कमियाँ नज़र आ रही हैं। खबर 7C के साथ विवेक कश्यप की रिपोर्ट।